जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित मौर्य। आज है भाई 26 अक्टूबर 2020 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 25 अक्टूबर 2020 को इसलिए वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि भाई हम आपके मैथ 3 पर काम कर रहे हैं, उस पर काफ़ी सारे टॉपिक देखी गई हैं, उस पर वीडियो लेक्चर बन रहे हैं और आपको एक दो दिन में वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे बेनिफिट है। बुक थोड़ी सी लेट आती है लेकिन आती जरूर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक। कुछ लोग का डाउट्स है कि भैया बताओ, जो स्कॉलरशिप इस समय भर रहे हैं, आय प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र है, ये जो प्रमाण पत्र लगते हैं भाई, तो ये 3 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो बताओ मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। अगर मान लो मैं वही पुराना वाला ही भर देता हूँ, उससे क्या दिक्कत है? क्या मेरी जाति 3 साल में बदल जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ ना होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं बताता हूँ अभी इसके बारे में। देखो होता क्या ना, अगर जैसे वैकेंसी वगैरह देख रहे हो, जैसे ये जो यूपी पुलिस वगैरह की आती रहती हैं, उसमें देखोगे मेनली जो जाति प्रमाण पत्र लगते वगैरह हैं, निवास प्रमाण पत्र, ये सब भाई रिसेंटली वाला मांगता है, मतलब जो 3 साल से कम वाले ही हों। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भाई, पुराना ले लेता। हालांकि मैं मानता हूँ आपकी जाति भाई नहीं होती है बदलती, वो सबको पता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। क्या आपको पता है कि भाई आज एक कोई यादव है तो कोई दूसरा मौर्य थोड़ी बन जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, लेकिन फिर भी ये इन लोग बना रखे हैं भाई 3 साल के। पहले देखो क्या होता था ना, स्टेट लेवल पे आपके बनते थे जो आज जात निवास बन रहे हैं, अब क्या हुआ है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया गया है इसको। देख सकते हैं कि पहले यूपी पे बनता था, यूपी की एक साइड करके थी, लेकिन अब देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट NIC ऐसे कुछ करके बन रहा है उस पर, तो आप समझ सकते हैं UP district.NIC.IN ऐसे कुछ पे बन रहा है, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना, अगर आपका 2018 से पहले, ठीक है, 2018 से पहले, या मान लेते हैं कि 2018 से पहले का अगर है, तो आप गाइस एक नया बनवा लीजिए आजाद निवास, जो भी आपका एक्सपायर हो गया है। और ध्यान दीजिए, स्कॉलरशिप भरते समय यह सभी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं, हमने सेकेंड ईयर में करवाया था, आप इस बार भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में किसी किसी का खत्म हो जाता है। मैं फर्स्ट ईयर में अपना जो आय प्रमाण पत्र लगाया था उस पर 36,000 लिखा था, तो वह हवाला लगाया था। हालांकि 36,000, 48,000, 56,000 इस तरीके से रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तर पर भी उतनी स्कॉलरशिप ही देते हैं जितनी, मतलब वो लोग सेट किए रहते हैं भाई, OBC वालों की इतना, SC वालों की इतना, जनरल वालों की इतना, इस तरीके से। तो मेनली जो डिपेंड करता है गाइस, वह आपके सबको डिटेल्स में, और स्कॉलरशिप में अगर बात करें कभी कभी गलत हो जाता है, तो मेनली इस पर डिपेंड करता है आपका बैंक अकाउंट वगैरह सही रहे और ये सब छोटे मोटे चीजें, और बाकी सब वो लोग काम कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, 2018 से पहले का भैया नया बनवा लो, उसमें ऐड करवा लेना। अगर उसके मतलब पहले का तब नया बनाना, अगर उसके बाद का है ना, तो 3 साल तक चल जाएगा, 2021 तक वह खत्म होगा। लेकिन कुछ लोग की वहां भी दिक्कतें हो सकती हैं, कंफर्म नहीं कर रहा हूं, हो सकती हैं, बिकॉज देखो इस बार क्या हो रहा है ना, कॉलेज वगैरह लेट चालू हो रहे हैं, तो कुछ लोग का पहले मतलब फर्स्ट मंथ 2018 में बने थे, तो 2021 के फर्स्ट मंथ में खत्म हो जाएंगे। तो भैया ये बताओ कि 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, डेट बढ़ेगी कन्फर्म है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग नहीं भर पाए, तो जब डेट बढ़ेगी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अगर डेट बढ़ जाती है तो जो स्कॉलरशिप वाला काम थोड़ा लेट होगा, तो क्या पता चला भैया 2021 में खत्म हो गए पहले मंथ में, तो आपकी स्कॉलरशिप तो गई भाई, गई स्कॉलरशिप। तो जिसका भैया मतलब मार्च तक, मैं कह रहा हूँ मार्च के, हालांकि मार्च या अप्रैल के आसपास में सब काम हो जाएंगे, तो मार्च या अप्रैल तक के हैं, मतलब जैसे कि 4 तक, ठीक है, 1/1/2018 से लेकर के, मतलब फर्स्ट मंथ 2018 से लेकर के 4/2018 के बीच में अगर बने हैं, वो लोग भी कोशिश करें कि नया बनवा करके ऐड करा लें भैया। नहीं तो भैया गड़बड़ हो गई, तो फिर कहोगे कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी स्कॉलरशिप ये नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली थे, तो भाई अब हम क्या कर सकते थे। हम आपको अपडेट कर दिए भैया, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आप इसको अपना सही करवा लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 4/2018 है तो भी आप कोशिश करें कि नया बनवा लीजिए, हो सकता है स्कॉलरशिप के थोड़ा लेट काम हो तो पहले मंथ तक खत्म हो जाए। वेरीफाई करने वो लोग कहेंगे भैया ना आपका तो खत्म हो गया है, कैसे काम होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना, यार मिलता हूँ मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।